हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एज यूजुअल मैं नेक्सॉन के साथ नहीं हूँ, मैं हूँ दूसरी गाड़ी हमारी फैमिली की जो है टियागो, उसके साथ। सो आज मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, और बीइंग विद टियागो रीज़न ये है कि जो इसका बोनेट है वो बराबर क्लोज नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले जब मैं इसका इंस्पेक्शन करने आया था, जनरल इंस्पेक्शन, ऑयल चेक, रेडिएटर में पानी का लेवल वगैरह वगैरह जब चेक करने आया था, तो मैंने देखा कि इसका जो बोनेट है वो बराबर क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसी पे मैंने थोड़ी ट्रबल शूटिंग करी एंड आई वाज फाइनली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि इनकेस मैं ये बोनेट बंद कर रहा था, तो बोनेट बंद करने के बाद जो है ये बोनेट जो है इतना ही क्लोज हो रहा था कि मैं अपना हाथ भी डाल सकूं और हाथ डाल के मैं वापस इसको ओपन कर सकूं। तो ये एक सिक्योर तरीका नहीं है। बोनेट जो प्राइमरी लॉक है उसमें तो लॉक कर जा रहा था, बट जो सेकेंडरी लॉक नीचे वाला लॉक है उसकी उसमें नहीं जा रहा था, और उसकी वजह से ये हाथ डाल के खोला जा सकता था आराम से। तो इसी की ये ट्रबल शूटिंग हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने महंगे जो गैराज के खर्चे हैं वो कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज आपको गैराज में अगर आप जाते हैं या सर्विस सेंटर में आप जाते हैं, तो आपको कोई बोल सकता है कि आपकी पूरी लॉक असेंबली खराब हो गई है, या फिर आपका जो अंदर की तरफ वायर हार्नेस होती है जो लॉक को खींचती है वो असेंबली ख़राब हो गई है। बट ये हो सकता है केस ना हो, काफ़ी सिंपल मैकेनिज्म रहता है लॉक का। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि पहले क्या हुआ था और मैंने कैसे ट्रबल शूटिंग करी थी। तो लेट्स गो बैक। बोनट खोलते ही जो पहली चीज़ मैंने नोटिस करी थी वो थी ये काफ़ी ज़्यादा धूल। इवन काफ़ी दिनों से गाड़ी चली नहीं थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बट स्टिल ये धूल काफ़ी ज़्यादा थी, और मुझे डाउट हुआ कि शायद ऊपर का कवर बराबर सील नहीं कर रहा है बोनट का। तो बोनट को मैंने एक दो बार खोल बंद करके देखा तो वो बंद नहीं हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हाथ डाल के वापस वहीं से खोल पा रहा हूँ इसको अब काफ़ी आसानी से। तो इसी को देखना था आगे की प्रॉब्लम एक्जैक्टली है क्या। इसके बाद जो बोनट खोलने के लिए आपको हैंडल दिया रहता है जिसके साथ आपकी वायर हार्नेस आगे कनेक्टेड रहती है लॉक में, वो मैंने ऑपरेट करके देखी थी, और यही सारे प्रोसीजर जो हैं आपको ही फॉलो करना है और देखना है कि ये अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको बोनट में किसी से ये ऑपरेट करवा के आपको फ्रंट साइड में देखना है कि जो वायर असम्बली है वो उसको अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है। इसके बाद आपको इंस्पेक्शन करना है सारी स्प्रिंग्स का, जो भी आपकी लॉक असेंबली में जितनी भी स्प्रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं सारी स्प्रिंग्स को आपको एक एक करके देखना है। बेसिकली कई लोग के साथ ये प्रॉब्लम आई होती है कि आप उनकी जो स्प्रिंग्स हैं वो अपनी जगह से डिसअसेंबल होके निकली हुई होती हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार ये लॉक ऑपरेट नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ हुई है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो आपको सारी स्प्रिंग का ऑपरेशन देखना है और देखना है कि वो पोजिशन में है कि नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। सो मेरे केस में जो है ये प्राइमरी लॉक की स्प्रिंग तो मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रही थी, बट सेकेंडरी लॉक की स्प्रिंग थोड़ी सी स्टिफ लगी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वाले लॉक की जो स्प्रिंग है उसको फिर मैंने थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से मूव करना शुरू किया, और एक बार मूव हो गया तो मैंने वापस एक बार ट्राई किया कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। सो नीचे वाली स्प्रिंग को थोड़ा बहुत मूवमेंट दे के मैंने वापस ट्राई किया, एंड एज यू कैन सी ये बंद नहीं हो रहा था। एज लैच असेंबली में मुझे कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं नज़र आई थी, जो कि आपका ये ऊपर वाला वायर है जो कि बोनेट से आपका कनेक्टेड रहता है, इसका ऑपरेशन ठीक था, सारी स्प्रिंग्स अपनी जगह पे ही थी। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी ये मोटी वाली स्प्रिंग, थिक वाली स्प्रिंग जो कि सेकेंडरी लैच को ऑपरेट करती है, इसी में है। तो इसको वापस मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया था, आगे पीछे मैंने पुश करना शुरू कर दिया था, और थोड़ा बहुत साथ में मशीन ऑयल भी यूज़ कर लिया था। आप इसमें और कुछ एंटी रस्ट WD-40 वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने मशीन ऑयल यूज़ कर लिया था बिकॉज घर पे यही अवेलेबल था उस समय। आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, ट्रबल शूट कर लिया है, तो आप पे उसको आपको उसको वर्कआउट करते रहना चाहिए,
और थोड़ा अगर आप टाइम देंगे तो उसके बाद 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एक बार आप बस आपको ट्रबल शूट करके प्रॉब्लम ढूंढनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर उनमें से कोई दिक्कत नहीं है तो इस लैच के केस में मोस्टली ये स्प्रिंग ही खराब होती है, एंड ये चीज़ आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। आपको स्प्रिंग रिमूवल वाले वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे कि लोगों की स्प्रिंग निकल गई है, बट इलास्टिसिटी आपकी स्प्रिंग खो दे या इसको आपको थोड़ा बहुत फ्री करना है, इस टाइप का वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से उसको थोड़ा फ्री करना है। इन केस आपका बोनट का लैच कभी काम नहीं करता, आई एम श्योर कि ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप घर पे ही उसे सॉल्व कर सकते हैं और वो काम करना शुरू कर जाएगा। थोड़ा सा टाइम, मैं अगेन बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट आपको उसको कम्प्लीटली फ्री करना है अप टिल योर सेटिस्फैक्शन। अगर आपको स्प्रिंग थोड़ी स्टिफ लगती है तो आपको कम्प्लीटली उसे फ्री करना है, जब तक कि आप खुद सेटिस्फाइड हो ना जाएं कि ये अच्छी तरीके से फ्री हो चुकी है। सो अगर ये काम आप लोग खुद करते हैं तो आप लोग काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं जो आपको वर्कशॉप में देना पड़ जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ कार के केसेस में अगर आप पूरी असेंबली चेंज करते हैं, लैच असेंबली प्लस वायर हार्नेस वगैरह चेंज करते हैं जो कि आपकी ड्राइवर साइड केबिन में रहती है, सबको चेंज करने का खर्चा आपको 8 से 15 हज़ार तक भी आ सकता है, तो जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हो सकता है आपका वो फॉल्ट भी ना हो, बट इन केस आपको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा, और आपको जो भी बोलेंगे वही आपको सही लगेगा। सो एक बार बेसिक इंस्पेक्शन जो खुद किया जा सकता है वो खुद करके आप इसे खुद ट्राई करिए सही करने का। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो बोनट की लैच असेंबली है ये ऑलमोस्ट सारी कार्स में सिमिलर रहेगी। चाहे तो आप अपनी गाड़ी का बोनट खोल के अभी चेक कर सकते हैं कि आपकी असेंबली ऐसी है कि नहीं है। बेसिकली वही पार्ट्स रहते हैं, सिमिलर पार्ट्स रहते हैं, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी लॉक रहेगा और उनसे कनेक्टेड स्प्रिंग्स रहेंगी, और उन्हीं को आपको चेक करना है कि कहीं वो अपनी जगह से निकल तो नहीं गई हैं, या फिर उन्होंने अपनी इलास्टिसिटी तो नहीं लूज़ कर दी है, या फिर हो सकता है कि आपका जो वायर हार्नेस है जो आपकी ड्राइवर साइड से आ रही है, जहाँ से हम बोनट खोलते हैं ड्राइवर साइड से, वो बराबर काम ना कर रही हो। तो यही सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको चेक करनी है, और आप फॉल्ट ढूंढने और उसको रेक्टिफाई करने में 100% सक्सेसफुल होंगे। सो फाइनली मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया एंड जॉब वॉज कम्प्लीटेड, आई वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। एंड ये सब काम करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जो आप खुद काम करके अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड इट वर्क्स, इट फील्स रियली नाइस। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, इन केस आपके बोनेट के लैच में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जब भी आप बोनेट खोलें तो एक बार उसका इंस्पेक्शन ज़रूर करें, और हो सके तो उसको लुब्रिकेट वगैरह भी करते रहें ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो एंड इट इज़ ट्रबल फ्री। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप यहाँ पहले से हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। सो मिलूंगा आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ।